शक्ल पर हटो मेरी नजर, तुम फिर आ गए। अब तेरी ऐसी शक्ल बनाऊंगा जिंदगी भर याद रख। छोड़ो मुझे। जब ये वीकेंड के साथ हम अटैच हुए तो इन्होंने हमें कहा कि इसके लिए रोल प्ले आप जो है डिज़ाइन करवाएं। मैंने अनाउंस किया पूरे स्कूल में कि हर क्लास में जो है वो बच्चे रोल प्ले करेंगे। यकीन जाने कि विद इन वन डे हर क्लास में से इतने रोल प्ले मुझे मिले, इतने इतने डिफरेंट टॉपिक्स पर उन्होंने रोल प्ले डिज़ाइन किए कि वो एक दिन में नहीं हो सकते थे। ये उनकी अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन थी जो वो छुपाए बैठी थी, उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसे प्ले किया। वो यकीनन इनके घरों में सब बीतता था तो उन्होंने उसे प्रेजेंट किया। ये एक्टिविटीज पूरा साल में हमारे एनुअली शेड्यूल्ड होती हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स डे है, हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे रोल प्लेज हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, हमारे बहुत सारे और एक्टिविटीज़ पूरे साल में हमारे स्प्रेडेड हैं। हम क्विज करवाते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स मुख्तलिफ तरह के करवाते हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। वीकेंड के रेफरेंस से जो वायलेंस है इसके लिए हमें एक टॉपिक मिल गया, वो जिस वक्त देते हैं अवेयरनेस भी होती है, साथ साथ हमारा एजुकेशनल पर्पज़ भी हल होता है। ये एक लोअर मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ वीकेंड की बहुत ज़रूरत है, यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है हर घर में अवेयरनेस होगी तो ये वक्त के साथ साथ जो है ये हर घर खुशहाल होगा, बच्चियाँ कॉन्फिडेंट होंगी अपने फील्ड में, ये कॉन्फिडेंस से सर्वाइव कर सकेंगी, अपने बच्चों को सही पाल सकेंगी, एजुकेट कर सकेंगी, ये तमाम चीज़ें उनकी एडिशन होती जाएगी। स्कूल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत इजीली उन्हें बच्चियों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चियों को समझा सकते हैं, अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ों। तो स्कूल तो सिर्फ उन्हें समझाने के लिए एक अच्छी जगह है, आप अवेयरनेस देते हैं, आप जो उन्हें जैसा आप बनाना चाहते हैं। हमारे पास तो कह लीजिए कि ये स्टूडेंट रॉ मटेरियल है, हम जैसा इन्हें करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो ये हेड्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ये 100% उन पर डिपेंड करता है कि वो स्कूल में किन किन चीज़ों को फोकस करती हैं, किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करती हैं और अपने स्टूडेंट को किस लेवल से किस लेवल तक ले जा सकती है। मेरी जिंदगी का एम इन्हें सही एजुकेट करना है, इन्हें सही एजुकेशन देना है। सही एजुकेशन में इनकी हेल्थ, इनकी मेंटल हेल्थ, इनकी अवेयरनेस, इनकी बोल्डनेस, इनके कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और जिस वक्त ये तमाम चीज़ें इनके अंदर शामिल हो जाएंगी ये तो ये एक बेहतरीन शहरी होगी। मेरी एडवाइस तो ये है कि हम अगर अपने ज़ाती बच्चों के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं तो ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए भी हमारी सोच वैसी ही होनी चाहिए जो हमारे अपने बच्चों के लिए।